नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बस्तर पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ा है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। पुलिस कप्तान सलभ कुमार सिन्हा द्वारा जिले के समस्त थानों में सख्त निर्देश दिए गए। नशीली एवं मादक पदार्थों के जाल के रैकेट को समाप्त करना है, इसी के तहत नगरनार पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान गांजा तस्करी के बड़े मामले को पकड़ा, जिसमें लगभग 10 लाख से अधिक से मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दलपत सागर रोड में नशीली दवाएं व्यापार करते तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की। सीआईडी न्यूज से बस्तर ब्यूरो चीफ अमित बाजपेयी की रिपोर्ट। तो ये मामला थाना नगरनार का है, कल का केस है ये, जिसमें हमने 107.6 किलोग्राम जो है हमने वो मादक पदार्थ गांजा वो हमने सीज किया है। उसके साथ ही हमने एक व्हीकल भी सीज किया है जो छोटा हाथी के नाम से पॉपुलर है और दो लोगों को हमने उसमें हिरासत में लिया है। वो जो दो लोग हैं वो यूपी के रहने वाले हैं, बदायूं जिले के, और वो लोग यहाँ से ओडिशा से इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जो गांजा था करीबन 107 किलो। तो वही यही एक बड़ी सफलता थी कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में उस गांजे को पकड़ना। हमारे पास अच्छी सूचना थी इसकी और हमने उसको मोबाइल चेक पॉइंट लगाकर उसको हमने हिरासत में लिया। सिटी कोतवाली का मामला है हमारा, ये नशीली दवाइयों का जो एनडीपीएस एक्ट है, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसके अंतर्गत एक धारा है 21, उसके चलते हमने ये कुछ मादक पदार्थ जो है वो सीज करे हैं और इसके अंदर तीन आरोपी हैं जो दो सुकमा के रहने वाले हैं और एक मलकानगिरी के रहने वाला है। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर जो ये मादक पदार्थ थे ये पेडल कर रहे थे और लोगों को बेच रहे थे, जो कि अंडर एनडीपीएस एक्ट गैरकानूनी है और अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसको बेचना भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो भी गैरकानूनी है। तो हमने दोनों बायर और सप्लायर दोनों को ही पकड़ के उनको हमने हिरासत में लिया है। इसकी टोटल जो वैल्यू है जो करीबन वो 50,000 रुपये है और करीबन 3,000 नग के आसपास जो हमने टैबलेट्स हैं वो बरामद करी हैं। और ये जो टैबलेट्स हैं ये बेसिकली एंटी एंग्जाइटी या एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलती हैं, जैसे अल्प्राजोलाम वगैरह। तो ये दो टाइप की ड्रग थी जो हमें बरामद हुई है। तो एक तो ये मामला था जो कोतवाली का हमने अभी फिलहाल किया है और तीनों लोगों को हमने रिमांड किया है। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे सीआईडी न्यूज के साथ।